गुजरात में लगातार दूसरी बार विजय रूपानी की सरकार बनने के बाद मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है। तकरीबन तमाम मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय नितिन पटेल को पिछले मंत्रिमंडल के तहत माफिक मंत्रालय नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री रूपानी की मौजूदा सरकार में साइडलाइन किए जाने से नितिन पटेल नाराज बताए जा रहे हैं और उन्होंने अब तक अपना कार्यभार नहीं संभाला। सूत्रों की माने तो राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल वित्त मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय छीन जाने से नाराज हैं और उन्होंने इस्तीफा देने की धमकी भी दी है। इतना ही नहीं, पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुप्पी साधे रहे। इतना ही नहीं, नितिन पटेल ने सरकारी वाहन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है और वे अपनी पर्सनल गाड़ी से आना जाना कर रहे हैं। नितिन पटेल के नाराज होने की अटकलें उस वक्त भी साफ होती दिखी जब कैबिनेट की पहली मीटिंग पटेल की वजह से 4 घंटे लेट शुरू हुई। पाटीदार नेता नितिन पटेल इससे पहले भी राज्य के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, पर इस बार राजस्व, शहरी और वित्त मंत्रालय उनसे छीन गया है। वित्त मंत्रालय नितिन पटेल के जूनियर सौरभ पटेल को दे दी गई और बाकी के 2 मंत्रालय खुद सीएम विजय रूपानी के पास है। अब पटेल के पास मार्ग और मकान, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा, नर्मदा, कल्पसर और राजधानी परियोजना जैसे विभाग हैं। इससे नितिन पटेल नाराज बताए जा रहे हैं।